गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक लास्ट के टॉपिक का ही एक हिस्सा है। हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है गॉसस लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो बच्चों, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था एंड दैट वॉज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट Whenever that sheet is placed inside, किसके inside बच्चों? किसी air के inside या vacuum के inside? तो आज हम क्या करने वाले हैं? एक sheet के बदले दो sheets को लेने वाले हैं और दो sheets पे देखेंगे दो sheets के combination से किसी एक particular point पर कितना net electric field हमें मिलता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, चाहे वो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज शीट्स। मतलब हमारे पास दो शीट्स हैं और वो आपस में पैरेलल हैं, पर कंडीशन क्या हो सकती है? सवाल यह है कि हमारे वो दो के दो शीट्स कैसे हो सकते हैं? या तो दो के दो शीट्स ऐसे हो सकते हैं कि दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और हम क्या कह सकते हैं उसको, एरियल चार्ज डेंसिटी जो है वो बराबर हो, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एक के ऊपर ज्यादा हो और एक के ऊपर कम हो। और तीसरा केस क्या बन सकता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हो, तो उस वक्त एक के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो पॉजिटिव में होगी और दूसरे के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो नेगेटिव में होगी। तो बच्चों उसके लिए मैं अभी आपको दो शीट्स ले रहा हूं। बच्चों सपोज दीज आर टू शीट्स, तो अब एक शीट के बारे में तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन जब हम दो शीट्स को पैरेलल रखेंगे तो बच्चों पैरेलल ऐसे रखना पड़ेगा एक दूसरे के पैरेलल। तो देखिए बच्चों कितने रीजन्स बन रहे हैं, एक रीजन जो है इन दोनों शीट्स के इस साइड वाला रीजन आ गया, एक इनके बीच में आया और एक राइट में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो मेन केसेस जो है उनको मैं यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं और उसके लिए फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट शीट और इसके सामने मैं सेकंड शीट रख रहा हूं, और कंडीशंस क्या है, ये दो शीट्स हैं और यहां पर ये मैं यहां पर डाल रहा हूं केस नंबर वन। पहले आप इन डायग्राम्स को समझेंगे, उसके बाद आप अच्छे तरीके से सारे के सारे केसेस को जान पाएंगे। देखिए बच्चों, ये दो केसेस में डाल रहा हूं, दीज आर द टू शेड्स। अब क्या क्या हो सकता है बच्चों, केस नंबर वन केस नंबर टू, इसमें मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन तीन का कॉम्बिनेशन डाल रहा हूं बच्चों, आपको यहां से ही डिफरेंस मालूम हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे भी पॉजिटिव डाल देता हूं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कुछ डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा, अब वो क्या डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द चार्जेस। मतलब हमने क्या करा कि दोनों के दोनों केसेस में एक कंडीशन देखी कि यहां पर जो चार्ज थे, यहां पर मैंने तीन तीन का अरेंजमेंट रखा था, अगर तीन तीन का अरेंजमेंट है और यहां पर ज्यादा घने कहां पर है, मतलब ज्यादा डेंस कहां पर है, यहां पर ज्यादा डेंस है, इसका मतलब केस नंबर वन में मैं डेंसिटी डिफरेंस दे रहा हूं। डेंसिटी डिफरेंस मींस इसका सपोज मैं सिग्मा वन मान लेता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज सिग्मा टू, एंड दिस इज शीट नंबर वन एंड दिस इज शीट नंबर टू। एक अरेंजमेंट बच्चों ऐसा हो सकता है, मैंने बोला कि डिफरेंस इन देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर देयर। अब बच्चों यहां पर क्या है, और दूसरी बात देखें, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर, दोनों जगह पर मैंने कौन से डाले हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। और यहां पर भी देखिए बच्चों, ये एक और केस है, पॉजिटिव। चलिए इसी तरीके से मैं यहां पर पॉजिटिव डाल रहा हूं,
तो यहां पर भी मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक शीट के ऊपर। अब क्या करने वाला हूं, यहां पर ये शीट नंबर वन एंड शीट नंबर टू। देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, अब पॉजिटिव और यहां पर क्या आ सकता है नेगेटिव, और यहां पे मैं नेगेटिव रख देता हूं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ठीक उसी तरीके से जैसे मैं केस नंबर वन में करने की कोशिश करा, उसी तरीके से मैंने यहां पे कोशिश करी है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो देखिए बच्चों अब यहां पर भी क्या कंडीशन है, अगर मैं इसको सिग्मा वन मानता हूं और इसको क्या मान देता हूं, ये सिग्मा टू है। देखिए बच्चों दिस इज सिग्मा टू, मैंने ये नहीं बोला कि माइनस सिग्मा, वैसा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अभी ये बोल रहा हूं कि सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द रेस्पेक्टिव शीट, शीट नंबर वन एंड शीट नंबर टू, शीट नंबर वन एंड शीट नंबर टू। कंडीशंस क्या हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप सोच रहे होंगे मैंने तीसरा नहीं लिखा, तीसरा कौन सा आएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो बच्चों अगर हम इस केस को पढ़ गए तो हम सिमिलरली वही चीज उस केस के लिए भी बोल देंगे। इसलिए मैंने जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि इन दोनों केसेस में क्या होगा। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आप इस केस पे जाएंगे, बिकॉज ये वाला केस आपके कैपेसिटर का केस है। आगे हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, वहां पर हमें ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। देखिए बच्चों अब कंडीशंस क्या हो सकते हैं, इसके अंदर स्टार्टिंग के अपने कुछ केसेस बनेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं इसको क्या कह रहा हूं, मतलब हमारे पास दो शीट्स हैं, एक शीट ऐसे है और ठीक इसके पैरेलल दूसरा शीट ऐसे है। तो बोलिए बच्चों दो शीट्स को अगर मैं सामने रखूंगा तो कितने रीजन्स बन रहे हैं बच्चों, इनके बीच में थ्री रीजन्स बनेंगे। ऑलवेज कितने रीजन्स बच्चों, थ्री रीजन। फर्स्ट रीजन ये हमारे पास पहला रीजन होगा, ये वाला हमारे पास सेकंड रीजन होगा, ये वाला हमारे पास थर्ड रीजन होगा। अब बोले बच्चों वहां पर भी कितने रीजन्स होंगे, तीन रीजन्स होंगे, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। अब क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट भी कह सकते हैं, मतलब लेफ्ट में, दोनों के लेफ्ट में। और इसको मैं बोल सकता हूं इन बिटवीन, ये बिटवीन वाला केस है और ये लेफ्ट वाला केस है और ये राइट वाला केस है। सिमिलरली यहां पर लेफ्ट, यहां पर इन बिटवीन, और ये वाला राइट वाला केस, हम बारी बारी करेंगे। तो देखिए बच्चों इस वाले में हमें पहले ये बताने की जरूरत है कि इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और उसके बाद, उसके बाद उसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब अगर ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हुआ मतलब सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर होते, मतलब दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटीज अगर बराबर होती तो ये तीन फॉर्मूले कितने बन जाते, तीन तो इसके आ जाएंगे जिसमें सिग्मा वन और सिग्मा टू का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो तीन स्पेशल केस इसके आ जाएंगे, तो छह केस इसके बन गए, छह केस इसके बनेंगे। तो बच्चों ये नाम के 12 केसेस बने, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी भी हैं अगर आप तरीके से देखेंगे। तो देखिए बच्चों अब मैं उसको मिटा देता हूं, इस वाले का केस कर देता हूं, उसी तरीके से फिर उसको करेंगे। तो बच्चों अब मैं इस वाले केस को मिटाता हूं और आपको कहता हूं कि हमने इसको कैसे प्रोसीड करना है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। केस नंबर वन देखिए बच्चों, अब हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट हो सकता है, यहां पर कोई पॉइंट हो सकता है, यहां पर कोई पॉइंट हो सकता है। इन पॉइंट्स का नाम मैं क्या रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं पी, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं क्यू, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं आर। तो आपसे कोई पूछे कि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाइए और Q पॉइंट पे दिखाइए और R पॉइंट पे दिखाइए, सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में ये चलनी चाहिए कि जब भी हमने सरफेस के ऊपर, एक शीट के ऊपर, शीट की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो वो फॉर्मूला आपके जहन में चलना चाहिए। और वो हमने कर दिया था, दैट वॉज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट, और इसमें आर का कोई भी रोल नहीं था, मतलब डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही थी, मतलब ये क्यों यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, तो अगर कहीं पर भी हो तो मतलब है तो बिटवीन में ना,
इसके बीच में है, ये पी इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं पर होना चाहिए, लेफ्ट में और ये राइट में। तो देखिए बच्चों, अब तीनों पॉइंट्स पर दिखाएंगे, पर उसके लिए जो जरूरी चीज ये है वो हम क्या कहेंगे कि हम बोलेंगे मेरे पास दो शीट्स है, फर्स्ट शीट सेकंड शीट, इसके ऊपर सिग्मा वन है, इसके ऊपर सिग्मा टू है। अब हम बोलेंगे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको अगर मैं ई वन मान के चलूं, मतलब फर्स्ट की वजह से ई वन मान के चलूं और सेकंड की वजह से क्या मान के चलूं, ई टू मान के चलूं, तो कैसे होगा। देखिए बच्चों, इस पॉइंट पी की बात करते हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे लेफ्ट रीजन की बात कर रहा हूं स्टार्टिंग में, लेफ्ट रीजन मतलब रीजन नंबर वन भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट रीजन जो मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट रीजन में कैसे होगा। फर्स्ट रीजन की बात करेंगे बच्चों, तो देखिए पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर होती है, किस डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर यहां से देखा जाए तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। अब बच्चों बाकी सब भूल जाना, आपको इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस पॉइंट पे ये शीट का भी प्रभाव देखना है और शीट का प्रभाव देखना है। बच्चों इस शीट पे भी पॉजिटिव है, तो बोलिए इस शीट की वजह से भी कहां आएगा, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब यहां से भी अगर आप देखना चाहें तो इस पॉइंट पे बाहर ही डायरेक्शन होगी, इसका मतलब एक पी बाहर वाली डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ई वन बाहर वाली डायरेक्शन में और ई टू भी बाहर वाली डायरेक्शन में, दोनों के दोनों जो होंगे वो बाहर के डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब ये है बच्चों, एक और चीज आपके जहन में चलनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अगर इस डायरेक्शन में है तो आप क्या करेंगे, यहां से एक चीज सोचेंगे कि ये जो डायरेक्शन है आप ऐसे मानेंगे कि आपका जो आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ये सोचिए कि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और जो भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी उसको आप पॉजिटिव मानेंगे। तो बोलिए बच्चों यहां पर E1 और E2 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इसके ऑपोजिट है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि रीजन नंबर वन जो होगा, यहां पर मैं लिखता हूं रीजन नंबर वन, आगे लिख रहा हूं बोथ नेगेटिव। बच्चों मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, देखिए ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आप, मैंने बोला कि आप यहां लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपको ये दोनों के दोनों क्या मानने पड़ेंगे, नेगेटिव मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट है। अब जाइए आप क्यू पॉइंट पर, इसका मतलब ये बिटवीन वाला पॉइंट है बच्चों, मतलब बिटवीन वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा, रीजन नंबर टू है। देखिए इस पे जाएंगे तो इसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से कहां जाएगा, आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ई वन इधर आना चाहता है और इसकी वजह से कहां जाना चाहता है बच्चों, ये भी आउटवर्ड्स, इसका मतलब ये चाहता है कि ये इसको इधर भेज दे। बोले बच्चों ई वन इस डायरेक्शन में और ई टू इस डायरेक्शन में, मैंने बोला जो इस डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब बीच वाले रीजन में ई वन क्या हो जाएगा, ई वन हमारे पास पॉजिटिव और ई टू हमारे पास नेगेटिव। तो देखिये बच्चों ऊपर वाले में बोथ का मतलब E1, E2 दोनों के दोनों आप नेगेटिव मानेंगे। अब इस वाले रीजन में जाएंगे हम, एक्सट्रीम राइट वाले रीजन में, यहां पर लिखूंगा रीजन नंबर 3 या थर्ड, जैसे मैंने यहां पर दिया हुआ है रीजन नंबर 3 में आप क्या कर सकते हैं। बोले बच्चों इस आर पॉइंट पे इसकी वजह से आउटवर्ड्स, मतलब यहां से जाएंगे तो ये डायरेक्शन ये होगी, मतलब E1 का डायरेक्शन ये है। बच्चों ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी कहता है कि आपकी वजह से भी कहां पे, इसकी वजह से भी डायरेक्शन कहां पे होगी, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में आए और उसी डायरेक्शन में आए जिसमें मैं चाहता हूं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे और इसका मतलब यहां पर लिख दूंगा मैं बोथ पॉजिटिव, दैट इज E1 and E2 बोथ पॉजिटिव। देखिए बच्चों अब मैंने इन दोनों को पॉजिटिव माना है तो अब मेरे लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं जानता हूं, एक और चीज मैं जानता हूं कि अगर ये मेन फॉर्मूला है तो E1 किसके बराबर होगा, E1 होगा σ1/2ε0। बोले बच्चों क्यों, सिर्फ सिग्मा चेंज हो सकता है ना, एप्साइलन नॉट का वैल्यू तो फिक्स है, 2 भी तो कॉन्स्टेंट है। अब बोले बच्चों E2 क्या हो सकता है,
ई टू हो सकता है सिग्मा टू अपॉन ट्वाइस एप्साइलन नॉट, अब इनका प्रयोग करूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रीजन बोथ नेगेटिव, सेकंड रीजन ई वन पॉजिटिव ई टू नेगेटिव, थर्ड रीजन ई वन एंड ई टू बोथ पॉजिटिव। तो बोलो बच्चों अगर आप इधर से इधर जा रहे होते, इधर से इधर जा रहे होते तो पहले आपके पास ये रीजन आता और इस रीजन में क्या मानते हैं बच्चों आप, ठीक इसका उल्टा, बोथ नेगेटिव बोलते हैं, यहां पर ई वन को नेगेटिव बोलते हैं, ई टू को पॉजिटिव बोलते हैं और यहां पे बोथ पॉजिटिव बोलते हैं। तो बच्चों जवाब एक ही आता है, चाहे आप इस साइड से जाएं या चाहे आप इस साइड से जाएं। तो अब देखिए, अब हम निकालते हैं रीजन नंबर वन जहां पर मैंने बोथ नेगेटिव बोला है। फॉर रीजन नंबर वन टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों रीजन नंबर वन पे कौन सा पॉइंट रखा है, पी, तो मैं ई पी दिखा देता हूं। बोले बच्चों किसके बराबर आएगा, मैंने बोला बोथ नेगेटिव मतलब ई ए माइनस डाल दूंगा बच्चों, इसको बोथ नेगेटिव बोला है, प्लस माइनस ई बी। बोले बच्चों अब किसके बराबर आएगा, ये आएगा मेरे पास ई पी निकाल रहा हूं नेट, यह जाएगा माइनस ई ए माइनस ई बी। बोले बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ई पी या ई नेट लिख सकता हूं, एक ही बात है, इसको मैं कर दूंगा बच्चों ई ए माइनस फॉर इसका, और ई ए की जगह पे लिखूंगा मतलब मैंने ई वन डाला था बच्चों, इसको मैंने ई ए लिखा, नो प्रॉब्लम, आप जानते हैं इसको अगर आप ई ए भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई बी भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा वन अपॉन टू एप्साइलन नॉट, घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, ई ए लिखे या ई वन लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या यहाँ पे सिग्मा ए लिखे जो आपकी इच्छा होगी। मैंने शीट का नाम वन टू दिया था इसलिए मैंने वन टू लिख दिया, अगर आप शीट का नाम ए भी डालते तो आप सिग्मा ए डालते कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहां पर माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्साइलन नॉट, बोले बच्चों क्या कॉमन है, यहां पे माइनस तो एक कॉमन है, वन अपॉन टू एप्साइलन नॉट भी कॉमन है, अंदर बचेगा सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये पी वाले ई पी बोल सकते हैं इसको, ये इसके बराबर है। बोले बच्चों पहला वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, अब दूसरे वाले पॉइंट पे एक पॉजिटिव मतलब ई वन को पॉजिटिव मानेंगे, ई टू को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, अब उसको कैलकुलेट करते हैं। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ई नेट इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, इसकी बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं यहां पर दूसरा रीजन लेता हूं जिसको मैंने सेकंड रीजन माना है, यहां पर क्या आएगा देखिएगा, सेकंड रीजन है हमारे पास, सेकंड रीजन जिसको इन बिटवीन भी बोल सकते हैं, बिटवीन वाला बच्चों, तो बोलिए बिटवीन वाले रीजन में क्या है, ई वन को पॉजिटिव माना तो उस वाले पॉइंट पे क्यू रखा है, ई क्यू या ई सेकंड रीजन पे क्या है, बोले बच्चों ये आ जाएगा ई वन को पॉजिटिव, तो नेट किसके बराबर हो जाएगा, ई वन को तो पॉजिटिव दे दिया, प्लस ई टू को नेगेटिव देना है माइनस ई टू, ये आ जाएगा ई वन प्लस माइनस माइनस ई टू। बोले बच्चों ई वन दोबारा से मैंने क्या बोला, यहां पर ई ए बोला था तो मैंने पहले वाले केस में ई ए लिखा था, देखिए बच्चों यहां पर ए बी दोबारा से मैंने वही लिख दिया, आप वन लिख सकते हैं या वो लिख सकते हैं। बोले बच्चों क्या आ जाएगा, सिग्मा वन अपॉन टू एप्साइलन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्साइलन नॉट। तो बोले बच्चों इसमें क्या कॉमन आया, वन अपॉन टू एप्साइलन नॉट, हम यहां पर बोलेंगे वन अपॉन टू एप्साइलन नॉट कॉमन है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। देखिए बच्चों दो फॉर्मूले हो गए, यहां पर माइनस, देखिए माइनस सिग्मा वन, अब यहां पे माइनस नहीं है, ये इक्वल टू है, वन अपॉइंट टू एप्साइलन नॉट मैंने कॉमन डाल दिया, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ये हमारी सेकंड रीजन का आ गया, ये पहले पहले रीजन का था। तो बोलिए बच्चों इसको ई ए बोलेंगे या ई वन बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ई टू बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास आएगा थर्ड रीजन, थर्ड रीजन कैसे निकलेगा बच्चों, वो आ जाएगा राइट वाला, राइट वाले रीजन के लिए हम जाएंगे थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में हमारे पास होगा आर पॉइंट है बच्चों, ई आर किसके बराबर होने वाला, आप ई ए बोलिए या ई वन बोल दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को पॉजिटिव मानना है बच्चों, ई वन प्लस ई टू। तो बोले बच्चों ई वन किसके बराबर है, ई वन हमारे पास है सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर देंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कर देंगे, तो बोले बच्चों ये किसके बराबर आया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम राइट रीजन। तो देखिए बच्चों मैंने तीन दिखा दिए, ये आ गया फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। अब आपके पास क्या हो सकता है, अब आप स्पेशल केस लगाएंगे बच्चों। स्पेशल केस कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये तीन के तीन केसेस चलने चाहिए। बोले बच्चों अगर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो जाए, इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू कुछ सिग्मा सिग्मा के बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर तो सिग्मा ही लिखेंगे ना। तो बोले बच्चों फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन या ईपी जो पी पॉइंट रखा है किसके बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 के बदले सिग्मा प्लस सिग्मा 2 के बदले क्या डाल देंगे, एक और सिग्मा, क्योंकि दोनों बराबर है। बोले बच्चों किसके बराबर हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक सिग्मा और एक सिग्मा, कितना हो जाएगा बच्चों 2 सिग्मा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर ये बराबर होते, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते तो इस रीजन में माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। तो बोले बच्चों सेकंड रीजन क्या होती, सेकंड रीजन हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला। अब इस फॉर्मूले में डालेंगे और देखते हैं किसके बराबर होता है। सेकंड वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो यहां पर आ जाएगा ई सेकंड, और सेकंड वाले में क्यू रखा हमने, ई क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 के बदले सिग्मा माइनस यहां से सिग्मा 2 के बदले सिग्मा, सिग्मा में से सिग्मा चले गया 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। इसके अलावा इस रीजन में कितना हो जाएगा बच्चों 0। और थर्ड जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। अब इस रीजन में जाते हैं और देखते हैं कि कितना फॉर्मूला आता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला आता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए बच्चों थर्ड हमारे पास है ई थर्ड आर ई, यहां पर कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट है। बोले बच्चों ये वाला फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 के बदले आप सिग्मा डालेंगे प्लस सिग्मा 2 के बदले भी आप सिग्मा डालेंगे। बोलो बच्चों ये दोबारा से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर वेरिएशन है तो पहले जो तीन फॉर्मूले करवाए वो, मतलब यहां पर अगर आपके पास 5 है और यहां पर अगर आपके पास 9 है तो आप वो फॉर्मूलाज लगाएंगे जो ये पहले वाले थे, लेकिन यहां पर अगर 5 है और यहां पर भी 5 है तो फिर आप ये लगाएंगे। सपोज आपके पास यहां पर 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है और यहां पर भी 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बोले बच्चों सेम हो गए ना, Q1 इक्वल टू Q2, तो आप सीधे डायरेक्ट बोल देंगे कि बीच वाले केस में कितना हो जाएगा 0 और बाकी वाले केस में, इस वाले केस में आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इस पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये पहला वाला केस उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक और दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है जो आपके कैपेसिटर में काम आएगा, मैं इसको मिटाता हूं। थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा, इसको बहुत आसान है। कहां से कहां चलेंगे, पहले रीजन में कौन कौन सा पॉजिटिव और कौन कौन सा नेगेटिव मानेंगे, और मैंने बोल भी दिया कि अगर आप यहां से इधर चल रहे हैं तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये बोथ नेगेटिव, ये इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, और इस पे जाके बोथ पॉजिटिव। अगर आप यहां से यहां देखना चाहते हैं तो इस रीजन में क्या हो जाएंगे, बोथ नेगेटिव, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव एंड बोथ पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों अब मैं नेक्स्ट बनाता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता है, पूछा जाता है, और स्पेशली जो आप मैं करवाने वाला हूं इसमें से कैपेसिटर में भी बहुत ही ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर का ही केस है ये। देखिए बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक शीट बना दिया और यहां पर आगे दूसरा शीट बना दिया। अब दोनों को पॉजिटिव किया था, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव
दोबारा से बना रहा हूं बच्चों, और सपोज इतने काफी हैं, और यहां पर नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये थोड़े वेरिएशन इसलिए लाया क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूं, इनके लिए थोड़ा डिफरेंस देने वाला हूं। यहां पर सिग्मा वन, यहां पर सिग्मा टू। अब मैं पॉइंट्स का नाम चेंज कर देता हूं। सपोज यहां पर कोई पॉइंट है, ये ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। मुझे इस पर भी दिखाना है, इस पर भी दिखाना है, इस पर भी दिखाना है। जिसको पहला थोड़ा समझ नहीं आया, ये भी सेम ही है, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये रीजन नंबर वन में है, ये रीजन नंबर टू में है, ये रीजन नंबर थ्री में है। रीजन नंबर वन मीन्स एक्सट्रीम लेफ्ट, ये लेफ्ट वाली है, ये बिटवीन वाली है, और ये राइट वाली है। और दूसरी बात, अगर आप यहां से यहां चलेंगे तो क्या करना है, इन दोनों को क्या मानना है वो डिपेंड करेगा बच्चों। तो देखो बच्चों, वो डिपेंड करता है साइंस पे। बच्चों इस ए पॉइंट पर इन दोनों की वजह से दिखेंगे, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स, बोले इस पर इसकी वजह से बाहर जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, अभी मान के चलते इसको वन शीट एंड टू शीट, इवन बाहर वाली साइड, और नेगेटिव की वजह से कहां आता है बच्चों, अंदर वाली साइड। मतलब ये चाहता है इस पॉइंट को यहां की साइड, ये चाहता है बाहर वाली साइड, और ये चाहता है अंदर वाली साइड। ये बी को मत मानिएगा बच्चों, ये बी पॉइंट ऊपर ही रख देने के लिए। चल ये ए के साथ बात कर रहे हैं हम पहले, इसका मतलब E2 अंदर वाली साइड और E1 बाहर वाली साइड। अब बोले बच्चों क्या होगा इस वाले केस में, क्या देखा जाएगा बच्चों इस वाले केस में। हमारे पास, मैंने अभी आपको बोला कि इधर से हम इधर चलते हैं, तो बोले बच्चों इस डायरेक्शन में कौन सा है E2, इसका मतलब मैं E2 को क्या बोलूंगा बच्चों, E2 को पॉजिटिव मानूंगा, और E1 को क्या मानूंगा बच्चों, नेगेटिव। इट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स, आप एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव मानेंगे, एक को नेगेटिव मानेंगे। तो मैं E2 को पॉजिटिव मानू तो इसको तो नेगेटिव मानना ही पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बच्चों यहां पे जाते हैं, बी पॉइंट सपोज यहां पर है। अब बच्चों इसका काम तमाम हो गया, बी वाले पॉइंट पर इसकी वजह से कैसा होगा आउटवर्ड्स, इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा पी पर, और बच्चों इसकी वजह से क्या होगा, ये इनवर्ड्स चाहता है, मतलब ये भी चाहता है कि इधर ही आ जाए, इसका मतलब ई वन भी इधर ही और ई टू भी इधर ही। बोले बच्चों सेम डायरेक्शन, यही डायरेक्शन जो मैं चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं ई वन को भी क्या बोलूंगा पॉजिटिव, और ई टू को भी क्या बोल दूंगा पॉजिटिव। अब तीसरा सी केस है बच्चों, सी पे जाइए, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स, मतलब यहां से अगर जाएंगे तो ये चाहता है बाहर निकले, और ये चाहता है इनवर्ड्स, मतलब ये चाहता है इधर आ जाए। बोलिए बच्चों इस डायरेक्शन को फॉलो करने वाला E1, इसका मतलब यहां पे बोलूंगा E1 इज पॉजिटिव और E2 इज नेगेटिव। तो बच्चों वो लिख दिया था मैंने, E1 किसके बराबर है और E2 किसके बराबर है। तो चलो दोबारा से लिख देते हैं, E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आवर फर्स्ट रीजन। अब बोले बच्चों फर्स्ट रीजन में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन में हमारे पास होगा ए पॉइंट रखा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए। बोलिए बच्चों ए को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं ई टू को पॉजिटिव माना है माइनस ई वन इसको नेगेटिव माना है। तो बोले बच्चों किसके पास हो जाएगा, ई टू के बदले डाल दूंगा सिग्मा टू अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस यहां से, और ई वन के बदले डाल दूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोले बच्चों क्या कॉमन आएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, इसका मतलब इट इज ई ए। बच्चों ये कौन से फॉर्मूले हैं, ये वो फॉर्मूला है जब इसमें वेरिएशन होगा, मतलब यहां पे 10 है यहां पर 12 है, ये कुछ भी वेरिएशन है। अब देखिए बच्चों अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारे पास है सेकेंड रीजन। बोलो बच्चों सेकंड रीजन में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, बी पॉइंट। मैं इसको लिख सकता हूं ई बी इक्वल्स टू, बोले बच्चों सेकंड रीजन में ई वन पॉजिटिव ई टू भी पॉजिटिव, इसका मतलब ई वन प्लस ई टू। बोले बच्चों सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट क्या कॉमन आएगा बच्चों, यहां पे वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, मतलब ये सेकेंड रीजन ई बी वाली बात है। बोले बच्चों किस रीजन पे जाएंगे, थर्ड रीजन पे। थर्ड रीजन पे कौन सा पॉइंट है बच्चों,
सी पॉइंट है, इसको लो ई सी इक्वल्स टू ई वन पॉजिटिव ई टू नेगेटिव, इसीलिए तो मैंने लिख दिया। बोले बच्चे क्या आ जाएगा, ई सी इक्वल्स टू सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन आएगा, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। बोले बच्चों तीन के तीन केसेस ये भी हमारे पास हो गए, थर्ड रीजन, सेकेंड रीजन और फर्स्ट रीजन, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। बोले बच्चों अब क्या डालेंगे, यहां पर भी स्पेशल केस डालेंगे। बोलिए इफ सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू इक्वल्स टू सिग्मा, मतलब अगर ये बराबर हो जाए, बोले बच्चों अब क्या होगा, अगर मैं सिग्मा ये दोनों के दोनों बराबर कर दूं, मतलब सिग्मा वन और सिग्मा टू को क्या कर दूं बच्चों, बराबर कर दूं, अब किसके बराबर आएगा, डाल देते हैं फर्स्ट वाले पे, देन ई ए इक्वल्स टू, देखिए बच्चों वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा टू और सिग्मा वन बराबर डालेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा, बोले बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर वाला जीरो डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन, आपको पता लग गया जीरो, इसका मतलब इस वाले रीजन में क्या आ जाएगा, जीरो। अब बोले सेकंड में जाएंगे ई बी, देखिए बच्चों ई बी यहां पर है, इसको लिख दूंगा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा आ जाएगा, दोनों को सेम कर दूंगा तो ये आ जाएगा टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन सॉरी टू टू कैंसिल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहां पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोले बच्चों इस वाले रीजन में जाऊंगा थर्ड वाले, देखिए बच्चों सिग्मा ये है थर्ड रीजन वन अपॉन टू एप्सिलॉन सिग्मा माइनस सिग्मा, ये दोबारा से जीरो बन जाएगा, इसको ना जीरो केस। तो देखिए बच्चों मैंने कंक्लूजन आपको दे दिया कि अगर आपके पास, अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है कि यहां पर फाइव दिया है और यहां पर माइनस फाइव दिया है, तो बोले बच्चों एक फाइव है दूसरा माइनस फाइव है, इसका मतलब आपके पास एक पॉजिटिव में है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक नेगेटिव में है और साथ में बराबर है, अगर दोनों बराबर भी हैं साथ में भी तो सिर्फ बीच में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, बीच में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में जीरो एक्सट्रीम राइट में जीरो। तो देखिए ये था आज का लेक्चर, लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ा सा मैं एक चीज और बोलूंगा जो आपको दोबारा से इस सारे की सारी कहानी को समझने में मदद करेगी। तो बोलिए बच्चों चाहे आपके पास दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, मतलब इस तरीके से एक है ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दूसरा पॉजिटिव वाला और ये कौन सा नेगेटिव वाला, बोलिए बच्चों क्या होगा, यहां पे सिग्मा और सिग्मा, अभी ये प्लस वाले आ गए, यहां पर सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, तो इस वाले केस की अगर बात होगी, मतलब बराबर बराबर केसेस डाल रहा हूं मैं, तो बोले बच्चों क्या होगा, फर्स्ट रीजन यहां पर बीच में जीरो होता है भाई, यहां पर अभी मैंने स्पेशल केसेस करवाए थे आपको सर देखिएगा, यहां पर जीरो होता है, यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां पर प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर इस वाले केस में क्या होता है जीरो जीरो और यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू पैरेलल प्लेन शीट्स बट इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ चार्ज यूनिफॉर्मली, तीन रीजन्स बनेंगे, आपको बोला जाएगा राइट में दिखाओ, अगर ऐसा बोला जा रहा है कि इस पे 10 है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर और इस पे है माइनस 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, बच्चों बराबर है ना, सिर्फ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप बोलेंगे इस वाली राइट साइड पे जीरो होगा, यहां पर भी जीरो होगा, बीच में क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 10 अपॉन 8.854 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 और ये आंसर देगा। तो बच्चों आज की लेक्चर उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको इसका जो मेन क्वेश्चन है कि ये रिलेशन कहां से आया, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब कीजिए बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी नई से नई वीडियो की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।